जी बिल्कुल, कमोडिटी मार्केट्स में जो है आपका स्वागत है। और इम्पॉर्टेंटली जो टॉप 10 खबर है उस पर हम फोकस करते हैं। तो सबसे पहला कमोडिटी रहेगा जीरा का। अप्रैल के वायदे के हिसाब से जो आंकड़े आ रहे हैं वो ऑलमोस्ट 24,400 रुपये के करीब हैं। लेकिन याद है कि जो पिछले सेशन के जो है रेंज बाउंड रही है कारोबार, और आवक बढ़ने के कीमतों के कारण जो है एक टाइप सी दबाव देखने मिल रही है। वही धनिया के बारे में बात करें तो अप्रैल का जो वायदा जो है लगभग 7,800 के नीचे है, और पिछले कई सेशन से लगातार जो है यहाँ पे बिकवाली देखने मिल रही है। ओवरऑल कमज़ोर यील्ड के कारण भी जो है कीमतों पे असर पड़ रहा है। वही अगर हल्दी के बारे में बात करें तो दो अहम ट्रेंड सामने आ रहे हैं। अप्रैल वायदा के भाव लगभग 17,720 के करीब है, वही पिछले सेशन में ज़ोरदार बिकवाली भी देखने मिली थी। सामान्य से कम सप्लाई चलते जो है बिकवाली देखने मिल रही है, सप्लाई इश्यूज़ हैं। लेकिन याद रखिए, दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि आगे जाते हुए दो अहम इवेंट है, त्यौहार और शादी, इसके चलते जो है खरीदारी भी बढ़ रही है। ग्वारगम के बारे में बात करें तो 10,150 के करीब जो है इनके अमाउंट आ रही है, और हल्की कमज़ोरी के साथ जो है कारोबार चल रहा है। लेकिन जो कमज़ोर मांग के कारण जो है आपके प्राइसेस में इम्पैक्ट आ रहा है। ग्वार सीड के बारे में भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे अप्रैल वायदे भाव लगभग 5,200 के ऊपर आ गया है। हल्की तेज़ी के साथ जो है कारोबार जो है हो रहा है, और कमज़ोर मांग के कीमतों पर असर पे भी जो है एक इम्पैक्ट आ रहा है। कैस्टर ऑयल के बारे में बात करें तो अप्रैल के जो वायदे बाज़ार में आंकड़े हैं वो लगभग 5,890 रुपये प्रति शेयर पे है, और आपके जो आवक बढ़ने के कीमतों के कारण जो है दबाव देखने मिल रहा है। सनफ्लावर ऑयल के बारे में बात करें तो ऑलमोस्ट 885 रुपीज़ के करीब लेवल से और ऊपरी स्तरों में जो है मुनाफा वसूली देखने मिल रही है। वही कॉटन केक इंटरेस्टिंग सेगमेंट है, अप्रैल के वायदे बाज़ार में 2,660 रुपये के ऊपर है, और बिकवाली का दबाव जो है थोड़ा दिख रहा है। वही कपास की अगर आंकड़ों की बात करें तो 1,590 के करीब यहाँ पे ट्रेड हो रही है, बिकवाली हो रही है, और ओवरऑल जो सप्लाई है उसकी कीमतों पर भी दबाव पे नज़र आ रहा है। वही मेंथो ऑयल 940 रुपये के करीब है, और पिछले कई सेशन से यहाँ दायरे में ही कारोबार चल रही है, ओवरऑल रेंज बाउंड है। तो ये कमोडिटी मार्केट पे जो है अपनी खास रणनीति बनाने के लिए जो है हमारे आज के मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, वो प्रोलाइन ट्रेड सर्विसेज के दिनेश सोमानी हैं। सर, सवाल यह है कि जो एग्री मार्केट के सबसे पहले अगर बात करें तो स्पेशली जीरे के सेगमेंट में है, क्या इम्पैक्ट चल रहा है और क्या रणनीति होनी चाहिए इन्वेस्टर्स के लिए? जी नमस्कार सर। बिल्कुल, जीरे के हम अराइवल्स देखते हैं तो निरंतर भाई कांस्टेंट अराइवल है। आज भी 71,000 बोरी के अराइवल्स है, और नए सीजन की अब तक कम से कम 14 से 15 लाख बोरी अराइवल्स आ चुकी है। अराइवल्स का प्रेशर बहुत ज्यादा है, फसल काफी बढ़कर है, और इस समय मुझे ऐसा लगता है कि अराइवल्स प्रेशर के चलते मार्केट में अपसाइड पोटेंशियल काफी कम नजर आता है। रेंज बाउंड एक्टिविटी लगती है, डाउनसाइड अप्रैल का वायदा मुझे 24,000 के आसपास नीचे लगता है, ऊपर में 26,000 के आसपास रेजिस्टेंस लगता है। ट्रेडिंग जोन के लिए बेहतर है, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अभी कोई इसमें बड़ी उछाल या बुरी लगता बड़ी मंदी आने की संभावना कम नजर आती है। बिल्कुल दिनेश जी, लेकिन इम्पोर्टेंटली देखा जाए तो धनिया में जो है कमजोर यील्ड का एक इम्पैक्ट देखने मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या रणनीति होनी चाहिए इस सेगमेंट में? जी बेसिकली धनिया एक ऐसी कमोडिटी लगती है जो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से काफी बेहतर लेवल से अच्छे रेट से करंट मौजूदा स्तर पर 7,600-7,700 के आसपास में मुझे लगता है कि अप्रैल वायदा बाय करना चाहिए। ऊपर में 7,940-8,140 के लेवल से हमें देखने मिल सकते हैं, 7,550 की इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करनी चाहिए। धनिया मुझे ऐसा लगता है कि एक अफोर्डेबल रेट है, और मतलब वैल्यू बाइंग के तौर पर इसको निश्चित तौर से बाय करना चाहिए। और हल्दी में थोड़ी प्रेशर जरूर थी, लेकिन आने वाले जो सीजन है, त्योहार आ रहे हैं और डिमांड का एक्सपेक्टेशन भी बढ़ना है, तो कब तक आपको लगता है कि ओवरऑल खरीदारी लौट सकती है वापस हल्दी के सेगमेंट में? जी हल्दी का हम अगर समीकरण देखते हैं तो इसका 30-35% सोइंग कम था, अराइवल्स काफी कम थी, और इसके तहत भी बाजारों में काफी तेजी हमें देखने मिली। 19,700 के लेवल हमने अपसाइड में देखने मिले। आज जो मार्केट में तेजी आई या कल मराठवाड़ा एरिया में काफी बरसातें हुई है, उसके तहत हमें इसमें एक आज तेजी का उछाला देखने मिला है। बट अब इसमें डिमांड स्टॉक निरंतर लगना शुरू होगा, मुझे लगता है कि 18,250 के आसपास इसमें अब थोड़ा सा बिकवाली का प्रेशर बनता हुआ नजर आता है। जब तक ये 17,200-17,500 के लेवल नीचे नहीं आती है, इसमें खरीदारी करने से थोड़ा सा दूरी बनाए रखना चाहिए। जी बिल्कुल, और ग्वारगम और ग्वार सीड, ये दोनों सेगमेंट में जो है क्या ओवरऑल रणनीति होनी चाहिए? रेंज बाउंड एक्टिविटी सर इसमें बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं है, डीमैट का स्टॉक जो है ग्वार सीड में निरंतर बढ़ता जा रहा है, और यही प्राइसेस पर प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। 5,150 नीचे में, 5,350-5,400 ऊपर में एक रेंज बाउंड एक्टिविटी लगती है। बहुत बड़ी हलचल नहीं है, बहुत ज्यादा वॉल्यूम में इजाफा नहीं हो रहा है, एक रेंज बाउंड एक्टिविटी लगती है।
ट्रेडिंग के लिहाज से ज्यादा बेटर है, 5200 के आसपास आता है तो खरीदारी करके चले, ऊपर में 5300 में एग्जिट करते चले। दिनेश जी, हमने तो एग्री मार्केट के बारे में बात कर लिया, लेकिन अब नॉन एग्री मार्केट पे भी आपके व्यूज ले लेते हैं, स्पेशली सोना और चांदी को लेके। इन दोनों सेगमेंट्स में क्या व्यूज है आपके? जी, पिछले वीक में हमने देखा कि गोल्ड और सिल्वर में जबरदस्त इजाफा आया, प्राइजेस में निचले स्तर से काफी बड़ा मूव आया। नीचे में जो 7200 सिल्वर चल रही थी वो ऊपर में करीब करीब 76,000 के 72,000 जो चल रही थी ऊपर में 76,000 के लेवल हमें देखने मिले हैं। 75,900 के आसपास, 76,000 के आसपास जाकर अभी इसमें करेक्टिव फेज चल रहा है। मुझे लगता है 74,940 74,900 के लेवल अगर नीचे में कहीं एक डिप मिलता है इवनिंग सेशन तक, तो एक खरीदारी का दोबारा अच्छा मौका रहेगा। दोबारा 75,600 76,200 के लेवल हमें ऊपर देखने मिल सकते हैं। वही गोल्ड की अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि 65,140 का एक बढ़िया पिवट पॉइंट है, एक टर्न अराउंड लेवल है जहां पर खरीदारी का एक अवसर मिल सकता है। दोबारा मुझे लगता है कि 65,500 65,800 के लेवल हमें देखने मिल सकते हैं और 64,940 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। जी बिल्कुल, क्रूड सेगमेंट भी एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है। ऑफ कोर्स उन्होंने अपनी आउटलुक भी जारी कर दी थी, और इम्पॉर्टेंटली कुछ कुछ कंट्रीज तो प्रोडक्शन कट्स भी जो है मैक्रो लेवल पे अनाउंस किए, लेकिन जो क्रूड में ओवरऑल क्या रणनीति होनी चाहिए दिनेश जी, जरा बताइए। जी बिल्कुल, हम अगर कमोडिटीज और इक्विटी को अगर देखते हैं तो मुझे थोड़ा सा सीआर रेशियो के हिसाब से एक रिवर्सल सा नजर आता है जहां पर क्रूड काफी मायने रखता है। मुझे लगता है कि अगर थोड़ा सा डिप मिलता है 6700 के अंदर अगर क्रूड मिलता है तो इंट्राडे के हिसाब से बेहतर खरीदारी का अवसर रहेगा। दोबारा 68,500 के लेवल हमें अपसाइड देखने मिल सकते हैं। 6720 का एक ऐसा लेवल है जब तक ब्रेक ना करे मुझे लगता है अपसाइड इसमें बाइंग साइड बने रहना चाहिए। जी बिल्कुल दिनेश जी, और कॉपर सेगमेंट पे जो है आपकी क्या राय रहेगी? ग्लोबल कॉपर प्राइसेस तो हमें पता ही है कि अब ऑलमोस्ट ईयरली हाईज के ऊपर आ गया है, डोमेस्टिक कॉपर सेगमेंट में क्या आपका व्यूज है? जी बिल्कुल, आज चाइना का डेटा आया था जहां पर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन थोड़ा सा बढ़कर आया है, मुझे लगता है कॉपर की प्राइसेस के लिए ये निश्चित तौर से सपोर्टिव रहेगा। पिछले हफ्ते हमने देखा कि 737 के लेवल से ये ब्रेकआउट दिया हमें, ऊपर में 764-765 के लेवल हमें देखने मिले। आज अगर इंट्राडे 758-759 की रेंज अगर कहीं नीचे आती है तो एक दोबारा डिप में खरीदारी का अच्छा अवसर रहेगा। 753 के स्टॉप लॉसेस 768-772 के लेवल्स हमें ऊपर देखने मिल सकते हैं। निचले स्तर से इसमें काफी बढ़िया मूवमेंट आया, काफी अच्छा इजाफा आया है, एक ब्रेकआउट लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है, मुझे लगता है एवरी डिप इज अ बाय इन कॉपर एज ऑफ नाउ। जी बिल्कुल, कॉपर सेगमेंट के बारे में तो इंटरेस्टिंग आपका टेक था दिनेश जी, लेकिन लेड के बारे में आपके क्या राय है जरा बताएं। सर, लेड में जो है एमसीएस की हद तक के वॉल्यूम्स काफी कम है, इसमें ओपन इंटरेस्ट भी काफी कम है। लेड से बेहतर मुझे लगता है कि एल्यूमिनियम और जिंक में थोड़ा सा मूवमेंट ज्यादा बेटर है, उसमें भी सबसे अगर ज्यादा वेटेज के देना तो मुझे लगता है एल्यूमिनियम है। 204 के ऊपर जो ट्रेड कर रहा है, 204 का एल्यूमिनियम 202 के स्टॉप लॉस से 206-208 के लेवल हमें ऊपर देखने मिल सकते हैं। एल्यूमिनियम की एक बेहतर अल्टरनेटिव है कंपेयर टू लेड और जिंक एज ऑफ। जी बिल्कुल, और ऑफ कोर्स एक और सवाल, हमारा आखिरी सवाल है नेचुरल गैस को लेके, ये सेगमेंट को लेके। ऑफ कोर्स इंटरनेशनली नेचुरल गैसेस जो है हमने विंटर सीजन में देखा था बहुत सारी बल्किंग हुई थी, बट अब धीरे धीरे समर सीजन भी आ रहा है, तो डोमेस्टिक नेचुरल गैसेस में और आपके इंटरनेशनल नेचुरल गैस सेगमेंट, इन दोनों ही सेगमेंट्स में आपकी क्या राय है सर, बताएं। नेचुरल गैस एक ऐसी कमोडिटी जो सारी पूरी दुनिया सस्ता समझकर बाय कर रही है, बट इसमें फंडामेंटल्स कोई ऐसे बड़े लंबे चौड़े तेजी के नजर नहीं आते हैं। बहुत ही रेंज बाउंड एक्टिविटी है और निरंतर 280 के लेवल छूने के बाद में नीचे 125 के लेवल इसने छुआ है। एक मंदी का ही दौर है, पुल बैक रैलीज कहीं आती है तो सेल के हिसाब से लॉन्ग टर्म ज्यादा बेटर है, बट अभी हाल फिलहाल मुझे लगता है कि इंट्राडे में इसमें जो अच्छा उछाल आया है ये आज इवनिंग सेशन तक मोमेंटम बरकरार रहेगा। 142 के आसपास इसको खरीदा जा सकता है, 149-152 के अपसाइड लेवल हमें देखने मिल सकते हैं, 138 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। लेकिन मैं दर्शकों को आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि नेचुरल गैस की हद तक के इंट्राडे ही इसमें व्यापार करें और इंट्राडे क्लोज तक इसका व्यापार बंद करने में ज्यादा मुनाफा है। जी बिल्कुल दिनेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे दर्शकों को एग्री सेगमेंट नॉन एग्री सेगमेंट दोनों की जो है पूरी अच्छी अपडेट दे दी, और आगे क्या रणनीति होगी उस पर भी आपने जो है विशेष टिप्पणी की। तो यही सब है आज के लिए कमोडिटी मार्केट में, देखते रहिए ईटी नाउ स्वदेश।